सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ का बस सिस्टम कैसा है एंड आपको बसेस कैसी पकड़नी है। यहाँ पे यूजुअली जो ब्रैम्पटन टोरंटो साइड की अगर मैं बात करूँ तो बस सिस्टम उनका ऐसा है कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेन्स हैं उसी के अकॉर्डिंग बसेस चलती हैं। पर मैं जिस लोकेशन पे हूँ इधर ऐसा नहीं है, इधर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बस चलेगी। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दूंगा जिसमें आप डिफरेंट बस सर्विसेज का देख सकती हैं। ऐप का नाम है ट्रांजिट। उस ऐप को अगर आप डाउनलोड कर लेंगे उसमें आपको हर तरह की बस जो आपकी क्लोजेस्ट अवेलेबल है आप हर बस को ट्रैक कर सकते हैं एंड इवन अगर आप एड्रेस डालेंगे तो आपको बस का भी बताएगा लाइव ट्रैक करके। ये फीचर यहाँ पे गूगल मैप में भी है जो लाइव ट्रैक करेगा बस को, बट मेरे हिसाब से ट्रांजिट ऐप ज़्यादा रिलायबल है। तो ट्रांजिट आपको डाउनलोड कर सकते हैं और आप बसेस का देख सकते हैं एंड मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि यहाँ पे कैसे बस को आपने बस में चढ़ना है, बस से उतरना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि बस में कंडक्टर है। यहाँ पे बस में सिर्फ एक ड्राइवर होगा और कुछ स्टॉप बटन्स होंगे जहाँ पे आपको स्टॉप दबाना है एंड बस की टिकट लेने के लिए आपको अराउंड कुछ डॉलर्स इंसर्ट करने होंगे। जो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ का बस फेयर है $3.25 और जबकि ब्रैम्पटन साइड में अगर बात करूँ तो उधर $4 है एंड थोड़ा थोड़ा ऐसे ही 3-4, 4.5-5 ऐसे ही हर जगह का अपना अपना फेयर है। तो अकॉर्डिंगली आपको उधर इंसर्ट करना है। आप ड्राइवर से पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ इंसर्ट करना है एंड वो आपको बताएगा। उधर कॉइन्स डालिए एंड अपनी टिकट ले लीजिए। तो चलो मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि बस कैसे हम लेंगे एंड हम यहाँ से लेने वाले हैं 75 नंबर बस। हमको जाना है पास में ही, तो देखिए कैसे रहता है हमारा, आगे देखते हैं बस का। सो गाइस इधर आ गई है हमारी बस एंड अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसमें हम चढ़ेंगे। सो गाइस देखा आपने कुछ ऐसा था यहाँ के बस का माहौल। बस में सब रहते हैं एकदम शांत यूजुअली, बट कुछ इंडियंस थे तो थोड़ा बहुत शोर शराबा था क्योंकि यू नो हम चुप रह नहीं सकते ज्यादा देर एंड वहां पे जैसे ही मैंने रुकना था तो ऑप्शन थी या तो वो येलो कलर की रस्सी खींचता जो आपको दिखा रहा था या फिर रेड स्टॉप बटन दबाता। तो मेरे पास रेड स्टॉप बटन था, मैंने जैसे ही वो दबाया उससे नेक्स्ट स्टॉप पे बस ऑटोमेटिकली रुक गई एंड आपको अपना नेक्स्ट स्टॉप ट्रांजिट टाइम में रेगुलर ट्रैक करते रहना है जब तक आपको याद नहीं हो जाते अपने स्टॉप्स। तो जैसे ही मैंने वो स्टॉप दबाया बस स्टॉप पे रुक गई एंड कुछ बसेस में होता है कि यू हैव टू प्रेस द डोर टू ओपन इट एंड कुछ बसेस में होता है कि आप उधर अपना सिर्फ हैंड ऐसे वेव कर देंगे तो भी डोर्स खुल जाएंगे। तो इस बस में था प्रेस करने का सिस्टम। जैसे ही मैंने प्रेस किया डोर्स ओपन हो गए एंड अब मैं अपने स्टॉप पे पहुंच चुका हूँ एंड अब मैं आगे का काम करने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड सब कुछ अच्छा लगा होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स हो या कुछ क्वेश्चंस हो या कुछ भी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं आगे और भी ऐसी वीडियोस डालने वाला हूँ लगातार आपके साथ अपने सारे रिव्यूज ओपिनियंस सब कुछ देने वाला हूँ। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।